हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Neo 7 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है मैसेज सेंड साउंड सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैसेज सेंड साउंड सेटिंग जो है ना, इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ना यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा मैसेज सेंड साउंड का, ठीक है। मैसेज सेंड साउंड इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दिया हुआ है ना, इस बटन को आपको टैप करना है। तो ये बटन आपका ब्लू कलर में इस तरीके से ऑन हो जाएगा, यानी कि आपकी सेटिंग इनेबल हो जाएगी, ठीक है। अभी सेटिंग जो है ना इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जब भी आप अपने मोबाइल फोन के मैसेज ऐप से, ये वाला जो मैसेज ऐप होता है ना, ये वाला, इसमें अगर आप जो है ना किसी को भी मैसेज सेंड करेंगे ना, तो जैसे ही आपका मैसेज सेंड होगा तो उसी वक्त आपके मोबाइल फ़ोन से एक साउंड क्रिएट होगा, एक साउंड की आवाज़ आएगी आपके मोबाइल फ़ोन से, ठीक है। तो ये मैसेज सेंड साउंड सेटिंग जो है ना इनेबल करने के बाद ये सेटिंग कुछ इस तरीके से काम करेगी आपके मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। अब मैं आपको जो है ना इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ आपके मोबाइल फ़ोन में। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो आपके मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज है इसको आपको फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा सर्च आइकन का, इसे आपको सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना है सेटिंग का नेम मैसेज सेंड साउंड, ठीक है। मैसेज सेंड साउंड आप यहां पर जो है ना टाइप कीजिए इस तरीके से, तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सबसे ऊपर ये सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे शो हो जाता है इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को हाईलाइट करता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।